नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक सुंदर सी कहानी से आज शुरुआत कर रहा हूँ। एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रजा में ही अनाउंस करवा दिया कि कल सबसे पहले आकर के महल में जो मेरे दर्शन करेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। लेकिन साथ साथ पूरे ही राजकोष में जितनी संपदा है वो सब भी सामने पूरे मैदान पे रखा हुआ होगा महल में। जैसे ही आप सब एंटर करेंगे तो जिसे जो चाहिए वो लेके जा भी सकता है, लेकिन हाँ, एक समय निर्धारित है। 9 बजे द्वार खुलेगा, 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। तब तक आप जो चाहें ले जा भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका हो कि आप मेरे पास आएँ, मेरे दर्शन करें, और जो सबसे पहले दर्शन करेगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। सारी की सारी प्रजा 9 बजे एंटर हो गई। देखा, एक तरफ सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हुए हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, नृत्य गीत हो रहे हैं, हर प्रकार की वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। लोगों ने अपनी झोलियाँ भरनी शुरू कर दी। ये भूल ही गए कि वो यहाँ किस लिए आए थे। केवल एक ही बुद्धिमान युवक था जिसने ये सोचा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं देखना है, केवल लक्ष्य पर एकाग्र रहना है, राजा के पास पहुंचना है। राजा यदि मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे तो ये सारी चीज़ें तो मेरी ही हो जाएंगी। वो पहुंचा और राजा ने ऐसा ही किया, और बाकी सब उलझे रहे। उन सबको ये ख्याल ही नहीं रहा कि 12 बजे तक ही चीज़ें ले जाई जा सकती हैं। 12 बजा, जो भी उन्होंने बटोरा था सब कुछ उनसे वापस ले लिया गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। भाव मित्रों, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। जो अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है वही संसार के लिए प्रेरक बन पाता है और वही जीवन में कुछ कर पाता है। तो हम भी जीवन का हमने जो ध्येय बनाया है उस पर पूरी तरह एकाग्र रहकर उसकी ओर ही आगे बढ़ते हुए अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करते चलें। आई सुंदर प्रेरक बात के साथ, कहानी के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें तो आपको सबसे पहले दूसरों की प्रशंसा करनी होगी। जब आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे तो ना चाहते हुए भी आपके जीवन में प्रशंसा आनी शुरू होगी। कहते हैं कि एप्रिशिएशन, प्रशंसा और एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना दूसरों की विशेषताओं को, एक बहुत बड़ी बात है। हमारी फॉर्मर चीफ आदरणीय दादी जानकी जी कई बार ये कहती थी कि सारे दिन में कम से कम 5 लोगों की प्रशंसा करें। और जब आप दूसरों को उत्साह देते हैं, उन्हें प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कामयाबी, आगे बढ़ने का उत्साह बना रहता है। तो हम कंजूसी ना करें देखते हुए, हम ये ना देखें कि उनके अंदर क्या कमी है। अगर देखें तो उनके गुणों को देख लें, और जरूर आज से कम 5 लोगों की प्रशंसा करें, उत्साह बढ़ाए। ओम शांति। क्या जीवन के लिए भी ऐसा ही हमने एक ध्येय निर्धारित किया है कि अपने जीवन में मुझे क्या क्या प्राप्त करना है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या कर लेना है अपने जीवन में, इस अमूल्य जीवन में? ज़रूर इस पर गहराई से हम सबको विचार करना चाहिए मित्रों, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही जीवन में लक्षण आते हैं, जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही जीवन की हमारी दिशा और दशा होती है। विचारणीय बात है, ज़रूर आज हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। और इसी विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि कैसे हमें कॉन्शियस के द्वारा सबकॉन्शियस को परिवर्तन करना है, और सबकॉन्शियस बहुत बड़ा है। इसका जो एक मैं छोटी सी कहानी फटाफट बताऊंगा, इसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे। एक बड़ी सी कोठी थी, आसपास में भी और भी कोठियां थी, और उस कोठी से बहुत झगड़ा होता था।
जैसे कि भाई झगड़े की आवाज़ आती थी, ऊंची ऊंची आवाज़ों में लोग बातें करते थे, शोर मचाते थे, आसपास के लोग सचमुच डिस्टर्ब होते थे। कई बार आसपास के लोगों ने आकर के वहाँ गेट कीपर को कहा भी कि भैया आवाज़ कम करो, इतना शोर क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि भाई हमें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है, वो आवाज़ जो अंदर से आ रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कहा कि उनको जाके बोलो कि भी आवाज़ कम करो, क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो। तो भी गेट कीपर ने कहा कि भी मुझे परमिशन नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। समझ गया, ये सिंपल सी बात है, परंतु इसके द्वारा हमें जानने को मिलेगा कि अगर हमारे सबकॉन्शियस में कुछ है और कॉन्शियस चाहते हुए भी, जैसे कि वो गेट कीपर चाहता था कि भी आवाज़ें ना आए, लोग आके मुझे बार बार कंप्लेन करते हैं, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बस ऐसा ही कुछ हद तक हमारे मन में भी घटित होता है। और इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझेंगे तो आप सबकॉन्शियस को कैसे परिवर्तन करना उसको भी ठीक से समझ पाएंगे। इस बात को हम अगली कड़ी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, इसी आधार पे हम अपने जीवन में नियत करें, निर्धारित करें। और जो इस प्रकार अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं, वही जीवन में सफलता के झंडे गाड़ते हैं, औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन, जिन्हें हम प्रतिदिन इस मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके सुंदर अनुभव के साथ, कि कैसे उन्होंने शिखर तक की यात्रा तय की और कौन कौन सी बातों को अपने जीवन में वो मूल्य देते हैं। You become a beautiful personality. So do you think that the definition of beauty should change or it will change? How do you look at the scenario? If you are with Brahmakumari, you don't require anything. You actually don't require, because your beauty means is very, very, very different, which I saw within 2 days. You don't require any makeup, you don't require, because you're supposed to go somewhere else to become a beautiful aputo, which I liked it here. And they said, somebody was with me and she was not smiling. And they said, God is there, clicking the photograph. Please be happy. Yes, so yes, see, if you're talking about the Brahmakumari, I believe, I wish whole world will be like Brahmakumari, which is, and everything will change and it will become like that. But I believe that's not actually, we can dream it, we can have a vision for it, but it's a long way to go. But if you're talking about the normal, if you're going to the job, you're supposed to have a presentation. Mm-hmm. Your boss will say, oh, you're fat. If you're fat, you're lazy. If you cannot be ready, you cannot present yourself. Society demands it. As long as society demands it, you'll have to go for it. Society start demanding that. And what is your education? What you are? They see afterwards what your presentation, they see you for the first. Yes. Feel very good. God gave me the media to fulfill the dream for a people, how they want to look like. I feel very proud. God gave me that authority to treat people. Thank you, God. Thank you. मित्रों, ब्रह्मा कुमारी की दो भूतपूर्व मुख्य प्रशासिकाएं, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, लक्ष्य को बहुत महत्व देती थीं जीवन में। दादी प्रकाशमणि जी हमेशा लिखवाया करती थीं साधकों से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, कि लिखो कि आपने ये जीवन क्यों अपनाया है, आप इस पथ पर क्यों चल रहे हैं, क्या लक्ष्य है आपका। और जब साधक साधिकाएं ये लिखा करते थे, तब उन्हें ये स्पष्ट होता था कि सचमुच हमने इस पथ पर कदम क्यों रखा है और हमें कहाँ तक पहुँचना है, कहीं हम रुक तो नहीं रहे हैं, अटक तो नहीं रहे हैं। और साथ ही दादी जानकी जी कहा करती थीं कि जब से मैं इस आध्यात्मिक पथ पर आई हूँ, एक दिन के लिए भी मैं ये नहीं भूली हूँ कि मैंने ये आध्यात्मिक मार्ग क्यों चुना है, मैं ईश्वर के पास क्यों आई हूँ। ये लक्ष्य एक पल के लिए भी, एक दिन के लिए भी मेरे चित्त से, मेरी स्मृति से भूला नहीं है।
आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। समाज में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना दुआओं का दरिया। दुआओं का दरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। उम्र के पेड़ का ये फल बहुत बढ़िया, गमों को भुलाने खुशी पाने का जरिया। कहते हैं जिसको हम अनुभवी नज़रिया, कहते हैं जिसको हम अनुभवी नज़रिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। जीवन का है ये खूबसूरत पड़ाव, मन में हो सार्थक विचारों का बहाव। शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया, शांति और प्रेम की ये सुखमय डगरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। तपन में मिले जैसे तरवर की छाया, परिवार पर रहता बुजुर्गों का साया। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। गमों को अपने ही दिल में समाते, अपनों पे खुशियों की खाने लुटाते। अरे ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया, ममता बरसाए ये प्यार की बदरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। दुविधा ले कोई जो पास इनके आए, दुविधा ले कोई जो पास इनके आए। समाधान पाए संतुष्ट होके जाए, समाधान पाए संतुष्ट होके जाए। उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया, उम्मीदों की खोले ये खिड़की की बढ़िया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। और देखिए बुजुर्गों की दुआओं में क्या क्या हमें मिलता है कि भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएँ, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएँ। भोर की हों जैसे ताज़ा हवाएँ, बुजुर्गों की होती हैं ऐसी दुआएं। आनंद सागर की इनमें लहरिया, आनंद सागर की इनमें लहरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें बुजुर्गों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। बुजुर्गों का सदा ही कीजिए सम्मान, इनकी दुआओं से हो जिंदगी आसान। आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया, आपकी कठिनाइयों की तोड़ दे कमरिया। बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया, बुजुर्गों का दिल है दुआओं का दरिया। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। तो मित्रों आज जरूर इस बात पर गहराई से चिंतन कीजिएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ और अपने आध्यात्मिक संसार में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों जगत हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। इन दोनों के लिए ध्येय ज़रूर निर्धारित कीजिएगा, केवल एक ध्येय नहीं। भौतिक जगत में सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो हमें सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, शक्ति देने वाला है, अंतर का आनंद देने वाला है, इसके बिना भौतिक चीज़ें तो अधूरी ही रहेंगी। तो दोनों गाड़ी के जैसे दो पहिए के समान है मित्रों, लक्ष्य दोनों के लिए निर्धारित हो। कहाँ तक इसमें मैं पहुँचना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, अपने साथ बैठ कर अपने लक्ष्य को ज़रूर स्पष्ट कीजिएगा और लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर देना बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों। जैसे अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया, चिड़िया की केवल नेत्र बिंदु ही दिखाई दे रही थी, अन्य चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थीं, यही उनकी सफलता का राज था। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अन्यथा सागर में भटके उस नाविक की तरह हमारा जीवन होगा जिसे ये पता ही नहीं होता कि उत्तर में जाना है या दक्षिण में, पूर्व में जाना है या पश्चिम में, और जीवन का अंत हो जाता है। जीवन अनमोल है, इसे एक दिशा दें, एक सुंदर लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को आदर्श बनाकर औरों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।